नहीं। तो जी हाँ गाइस, मैं भी आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके माइनक्राफ्ट की। तो गाइस आप लोग बहुत देख के हैरान हो रहे होंगे कि मेरा ये भाई करेक्टर को क्या हो गया, क्या हुआ नहीं है, अच्छा लग रहा है मेरा करेक्टर, जिसकी असल वजह है ये स्किन मैंने लगा दी है। और अभी आप लोगों को मैं एक अच्छी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस ये देखो पीछे मेरा घर कितना अच्छा हो चुका है। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। तो जी हाँ गाइस, मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन का काम जो हो रहा है इसे कंप्लीट कर देते हैं और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अपने घर। भाई ये देखो मैंने ऐसे ये जो भाई प्लेजर का हुआ था ना, प्लेजर टावर, उससे मैंने ये डार्क ओक लॉक तोड़ के ले आया था थोड़े से, और मैंने स्टेयर्स बना के यहाँ पर लगा दिया। सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद करते हैं, रात हो गई है और अभी सो जाते हैं। अरे रात हो गई है यहाँ पर, भाई इसको छोड़ो। क्राफ्टिंग टेबल हमारी ये रही, फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल पे चलते हैं। और अभी हमें बनानी है स्टेयर्स। हमारे पास ये वाइट वाली तो बन चुकी हैं, लेकिन हमें डार्क वाली, डार्क ओक लॉक की हमें स्टेयर्स बनानी है। तो हमारे पास भाई डार्क ओक लॉक तो है ही नहीं, तो हमें और तोड़ के लाना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, तोड़ के तो लाना पड़ेगा, लेकिन पहले सो जाते हैं हम लोग फटाफट से, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे प्लेजर टावर। बल्कि छोड़ो ना भाई, कंस्ट्रक्शन का काम आज नहीं करना। तो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा, हम जाने वाले हैं फाइनली माइनिंग पर जाने वाले हम लोग। अभी हम मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग देख पा रहे होंगे ना मेरे पास कोई, भाई देखो ना मेरे पास कोई सा आर्मर है, ना मेरे पास आयरन की बस एक एक्स है, डायमंड की मुझे एक्स बनानी है और पिकैक्स वगैरह सारे, और आर्मर भी बनाना है डायमंड का, इसलिए मुझे माइनिंग पर जाना पड़ेगा आज। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग पर, और उससे पहले तो हमें बनाना होगा अपना माइनिंग एरिया। तो वहीं से हम लोग माइनिंग पर जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे हो भाई, ये देखो मैंने चारों तरफ ने ग्लास लगा दिया घर के। पहले तो घर का टूर करा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई, ये मैंने ग्लास लगा दिया और अभी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये था हमारा सेकंड फ्लोर, ये आ गई हमारी छत। अब यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं जो भी देखना हो। तो भाई वो देखो, वो क्या कहते हैं, वो आप लोग देख पा रहे होगे सामने। अरे भाई, अरे मैं नीचे गिर गया, मैं बच गया हूँ। चलो वहाँ पर आप लोग, अरे भाई छोड़ो ना यार, क्या दिखा रहा हूँ। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं सबसे पहले माइनिंग एरिया बनाने के लिए। पिकैक्स चाहिए होगी हमें आयरन की। भाई आप लोग को मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा आयरन हम लोगों का माइनिंग एरिया पहले से ही बना हुआ है। तो चलते हैं फटाफट से वहाँ पर, लेकिन अभी मुझे सामान लेना होगा। फटाफट से फूड ले लेते हम लोग, ये हमारी चेस्ट, यहाँ से हम लोग निकाल ले लेते थे फटाफट से फूड। ये रहो, ये भी ले लेते हैं। और टॉर्च भी चाहिए होगी हमें, तीन पड़ी हुई हैं लेकिन और भी बनानी होंगी। कोल तो है नहीं हमारे पास। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कांच पे ग्लैंड रखा था, अब यहाँ पर फटाफट से ले लेते हैं कोल। अरे ये ग्लैंड क्यों रखती है मैंने, फटाफट से यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कोल। ये रहा, और स्टिक्स भी हैं, यहाँ पर टॉर्च बना लेते हैं फटाफट से। गाइस यहाँ पर हमारी वाली शील्ड भी है, इसको पहन लेते हैं फटाफट से पहले। अरे भाई ये क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग स्टिक और कोल रख लें। ये क्या हुआ, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। चलो हम लोग इसे बना लेते हैं, इतने ही बन पा रहे हैं। तो भाई ये हो गया, अब यहाँ पर ये तो रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर मैं मर गया तो सारी अपनी चीज़ें जा रहेंगी। यहाँ पर हमारा क्रॉसबो भी है, शवल भी ले लेते हैं, और अब हम चलते हैं माइनिंग पे। वाटर बकेट भी ले लेते हैं ना, बल्कि आयरन तो है नहीं यहाँ पर। चलते फटाफट से भागते भागते हम लोग वहीं पे पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा था माइनिंग एरिया। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा था मेरा बंदा भाग क्यों नहीं रहा, तो अभी भी मैंने देखा भाई भूख लग रही है इस बंदे को। शुक्र करो मैं भी खाना ले आया था, और अभी यहाँ पर खाना भी ख़त्म, बस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, रॉ बीफ पड़ा हुआ है। कुक बीफ भी नहीं है भाई, तो अभी तो इतने से हेल्प बढ़ाएगा ये। अभी मैं और नहीं खाने वाला भाई, बंदे ऐसे ही भाग पहले। तो गाइस ये रहा प्लेजर टावर, यहाँ पर से मैंने आयरन गोलम को आज़ाद करवाया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो। अभी भी भाई वो मार रहा है आयरन गोलम प्लेजर को इतने सारे। अरे भाई ये देखो एरोस मिलने तो फ्री के मिलने, तो फ़ायदा क्या भाई। अरे मुझे म्यूजिक, आयरन गोलम को छेड़ दिया मैंने यार, ये पता नहीं क्या सीन हो गया। चलते हैं गाइस फटाफट से वहीं पर ही। तो गाइस यहाँ पर फाइनली मैं आ चुका हूँ, अपनी सारी चीज़ें भी उठा ली है मैंने, और ये एंडरमैन ने यहाँ पर भाई फिर से रख दिया है यहाँ पर डेड को। और यहाँ पर भाई इतना दूर दूर तक तूने उछाला है, मैंने तुझे आज़ाद करवाया तूने फिर भी मारा, भी इससे बदला तो लेना पड़ेगा। इस अगली वीडियो भी बनाएंगे हम, इसकी अगली नहीं पता नहीं कौन सी वीडियो बनाएंगे हम, इससे बदला लेंगे हम। तो गाइस अभी हम लोग फटाफट से पहुँच चुके हैं माइनिंग एरिया पर।
बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से हम लोग रेलवे ट्रैक वेरैक बना लेंगे, कुछ तो कर लेंगे जो हम आसानी से आ सकें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो ये रहा गाइस हमारा माइनिंग एरिया। पिछली वीडियो में गाइस मैं जब आया था यहाँ पर तो बहुत सारा मुझे आयरन दिखा था। ये देखो भाई यहाँ पर टॉर्च भी लगी हुई दिख रही है। फटाफट से यहाँ से तो पहले आयरन उठा लेते हैं। फर्नेस भी बनाना होगा भाई यहीं पर, सारे अपने आयरन वायरन के टूल बना लेते हैं। डायमंड माइन करने जाने गए सच, ये वीडियो डायमंड माइन करने की है। अरे भाई नीचे आयरन तो नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी आयरन नहीं है। फटाफट से ये वाला आयरन भी लेते हैं भाई, इतना सारा आयरन है मेरे पास। देखो भाई साहब इतना सारा आयरन हो गया, फटाफट से इसे भी तोड़ लेते हैं। भाई एक फर्नेस भी बनाना होगा यहाँ पर। मैंने अपनी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल रखी थी लेकिन वो मैं घर पे ले गया था, इसलिए भी फटाफट से मुझे फर्नेस भी बनाना पड़ेगा। तो गाइस बनाते फटाफट से फर्नेस, बल्कि क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगी। यहाँ पर हमारी क्राफ्टिंग टेबल भी फाइनली गाइस बन चुकी है, और अभी ये देखो मेरा फर्नेस भी बन चुका है। मैं यहाँ पर फर्नेस लगाते फटाफट से, और फिर मुझे क्या करना था, हाँ आयरन पिघलाने के लिए रखना था। तो गाइस यहाँ पर मैं शुगर कैरो खोल ले आया था। यहाँ पर और आयरन तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अब अंदर जाना है। उससे पहले भाई हमारे पास टॉर्चेस आएंगी यहाँ पर, ये नहीं टॉर्चेस। फटाफट से अपनी शील्ड भी लगा लेते हैं। मुझे लगा था भाई शील्ड की वजह से हमारा बंदा नहीं भाग रहा, इसलिए मैंने उतार दी थी शील्ड। यहाँ पर भाई हमारा एक आयरन और पड़ा हुआ, इसको भी रख देते हैं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर दो हो चुके हैं हमारे पास और एक ऑलरेडी आएगा, तो इससे फटाफट से हम लोग बना लेते हैं अपनी एक पिकेक्स। आयरन की पिकेक्स बनानी है हमें, क्योंकि भाई डायमंड भी तो माइन करना है ना मैं, इसलिए आयरन से ही टूटता है भाई डायमंड, आयरन की पिकेक्स से ही। तो यहाँ पर भाई इसे पिघलने देते हैं और हम लोग फटाफट से चलते हैं नीचे। तो भाई ये देखो यहाँ पर एक और आयरन आ चुका है, फटाफट से इसे भी तोड़ लेते हैं। अभी हम क्या कहते हैं कोबल स्टोन की पिकेक्स से हम तोड़ेंगे, आयरन की पिकेक्स अभी ज़ाया नहीं करनी है। फटाफट से यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो भाई यहाँ से मैंने फाइनली आयरन भी तोड़ लिया है, और अब मैं टॉर्च लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पर एक टॉर्च वॉर्च लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई आयरन यहाँ पर भी। अरे भाई आयरन की तो बारात निकल रही है यहाँ पर, सब आयरन को तोड़ लेते हैं। लावा ना हो बस नीचे, हम लावा में डायरेक्ट जाके गिर जाए, इसे भी तोड़ लेते हैं भाई। आयरन की हमारे पास बहुत कमी है, कोल भी आ गया। तो भाई यहाँ पर मैंने अभी एक आयरन तोड़ा, तो यहाँ पर इतने सारे भाई इनकी मैं सच में बोल रहा हूँ बारात निकल रही है आयरन की यहाँ पर, और मिल गए मुझे। तो भाई कोल को भी छोड़ते हैं, कोल को आते हुए ले जाएंगे। फटाफट से हम लोग निकलते हैं डायमंड माइन करने। कोल भी यहाँ पर बहुत सारे लगा हुए, फटाफट से यहाँ पर लगा लेते हैं भाई। टॉर्च क्यों नहीं लग रही? पानी भी है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो पानी ब्लॉक करना पड़ेगा जिसके। तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और मैंने पानी को भी ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर टॉर्च लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई साहब, अरे मैं बंद तो नहीं हो गया, मुझे लगा मैं बंद हो गया। टॉर्च है यहाँ पर, एक और टॉर्च लगा देते हैं। सबसे पहले भाई तो हमें करना होगा कोऑर्डिनेट्स खोल ले होंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने शो कोऑर्डिनेट्स को खोल दिया है, अब हम लोग फटाफट से। अरे यार ये मॉब लूट सही है, कोऑर्डिनेट्स भी हमारे देख पा रहे हैं। अभी हम लोग 42 पे हैं भाई, y-axis 42 पे हैं। यहाँ पर आके भाई ये केव बंद हो गई है, तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेट डिक तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ से डिक करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? फटाफट से हम लोग यहीं से डिक करना शुरू कर देते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ऐसे करके डिक करना ताकि भाई कोई आए हुए ना लावा, तो हम लोग उसके अंदर ना गिर जाए। अब हमें फटाफट से हम लोगों को पहुंचना होगा 11 तक। ये जो 39 लिखा हुआ होगा आप लोग देख पा रहे होगे, अब यहाँ पर हम लोग ना 11 जब लिखा हुआ आएगा, जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ। समझ रहे हो आप? तो भाई जी हाँ, फाइनली हम लोग आ चुके हैं 11। ये जो आप लोग देख पा रहे होगे, मुझे नहीं वाई एक्सेस 11 पे आ चुका। और भाई ये देखो कितना गहरा मैंने गड्ढा कर दिया, ये देखो नीचे से ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन मैं भी जाऊँगा नहीं। ओके, तो हम लोग ऐसे स्ट्रेट ऐसे मतलब डिगिंग करना शुरू करते हैं। डिगिंग नहीं भाई, माइनिंग करना शुरू करते हैं। गजब बेइज्जती है। फटाफट से यहाँ से हम लोग पहले तो ऐसे स्ट्रेट करते रहेंगे। भाई मैं वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ, अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि भाई ये लावा वावा की आवाज़ भी तो आनी चाहिए ना। फटाफट से हम लोग चुपचाप से माइनिंग करते रहते हैं टॉर्चेस लगा के। और भाई अभी कोबल स्टोन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है हमारे पास। यहाँ पर भाई मैं पूरे के पूरे उस पर 11 पे कर रहा हूँ माइनिंग।
बस डायमंड जल्दी से जल्दी मिल जाओ, वीडियो ख़त्म करें भाई यहाँ पर हम। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे पता है आपको अच्छी लग रही है, तभी तो यहाँ तक देख लिया आपने वीडियो, नहीं तो आप लोग अगर अच्छी नहीं लग रही होती तो यहाँ तक भी नहीं देखते वीडियो। मुझे पता है कुछ लोग तो पहले से ही शुरू से स्किप करके चले गए होंगे। और लाइक ज़रूर कर देना भाई, लाइक करो, कमेंट करो, सब शेयर करो, नहीं इसमें से कुछ भी नहीं करो, बस सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से भाई। यहाँ यहाँ पर तो इतनी देर से कुछ आ ही नहीं रहा, टॉर्च लगाते हैं, ये वाले टॉर्च को निकाल लेते हैं। थोड़ा पीछे पीछे ही रहेंगे भाई। अरे रेड स्टोन आ गया, बहुत बहुत आला है यहाँ पर, रेड स्टोन भी आ गया। इसको आयरन पिकैक्स से तोड़ते हैं ना, हाँ भाई इसको आयरन पिकैक्स से तोड़ते हैं भाई। यहाँ पर लावा ना हो, बस कहीं लावा आ जाए पाँव पे लग जाए भाई। आयरन की पिकैक्स तो कुछ ज़्यादा तेज चल रही है, यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं फटाफट से, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से फिर से अपनी माइनिंग करना शुरू कर देते हैं भाई। इतना आगे आ गया यार, मैं यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा डायमंड, एक भी डायमंड नहीं दिख रहा है यहाँ पर भाई, यार यहाँ पर एक भी डायमंड नहीं दिख रहा गाइस। यहाँ पर अब तो माइनिंग करना ही पड़ेगा ना, करते रहना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ भाई पीछे वाले ना वहाँ पर भाई, देखो इतना खोद के आगे आ गया यार मैं, अब मुझे लग रहा है भाई वहाँ पर मुझे माइनिंग करना पड़ेगा, चलते फटाफट से यार। अरे मैं यहाँ पर भी रेड स्टोन था, इसको मैंने तोड़े नहीं, इसके ऊपर खड़े होकर नहीं तोड़ूंगा मैं, इधर से तोड़ते हैं। और कल यहाँ पर फाइनली यहाँ पर दो रेड स्टोन है। अरे भाई यहाँ पर तो इनकी भी बारात निकली हुई है रेड स्टोन की, फटाफट से इसे भी तोड़ लेते हैं। अरे भाई एक्सपी तो भाई भर भर के मिल रही है रेड स्टोन से। तो भाई बस यहाँ पर अभी इतना ही रेड स्टोन था, यहाँ पर फटाफट से हम लोग कॉबल स्टोन की कमी नहीं है, फटाफट से कॉबल स्टोन लगाते हैं यहाँ पर और ऊपर चलते हैं, फिर चलते हैं उस कोने पे। अरे भाई यहाँ पर क्रीपर कहाँ से आ गया गाइस, यहाँ पर क्रीपर पता नहीं कहाँ से आ गया, टपक गया ऊपर से, वही ऊपर से टपका, पता नहीं कहाँ से टपका, स्पॉन हुआ है मुझे नहीं पता, स्पॉन होते ही पड़ गया बेचारा। तो गाइस ये देखो आप लोग, ये थी अपनी वाली जगह, फटाफट से यहाँ से भी हम लोग माइनिंग करना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना माइनिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग माइनिंग करना शुरू करते हैं, ये देखो भाई ये रही अपनी वाई एक्स की, ये 11 लेवल पे। और भाई अभी भूख तो नहीं लग रही है लेकिन हार्ट कम हो गए। तो गाइस यहाँ से हम लोग अपना फटाफट से शुरू करते हैं माइनिंग करना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी फटाफट से हम लोग माइनिंग कर रहे हैं यहाँ से डायमंड की। बहुत यार हमारे पास डायमंड तो है ही नहीं, कमी नहीं है हमारे पास डायमंड तो है ही नहीं। यहाँ पर एक ग्रेवल आ गई है, फटाफट से शवल हैगी मेरे पास तो नहीं, शवल अरे शवल हैगी, मैं शवल दे तो तोड़ रहा हूँ, दिमाग क्या हो गया है मेरा भी। तो भाई यहाँ पर तो फालतू की यार ग्रेवल आई जा रही है, यहाँ पर हम लोगों को माइनिंग करना सही नहीं रहता है। अब भाई मैंने देखा था एक यहाँ पर 11 पे माइनिंग करते हैं और यहाँ पर भाई 15 पे भी माइनिंग करते हैं। तो भाई हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से टॉर्चें नहीं निकालते, टॉर्चेस हम लोग अरे बल्कि निकाल लेते हैं ना, इन टॉर्चेस को छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, हमारे पास टॉर्चेस की कमी नहीं है। अब फटाफट से ऊपर चलते हैं, 15 एक्सिस पे भाई जो 12 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हम लोग 15 एक्सिस पे भी हम लोग माइनिंग कर सकते हैं वहाँ पर भी। बस ये देखो आप लोग देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ से हम लोग सीधा स्ट्रेट माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऊपर माइनिंग करने से बेहतर है कि हम लोग ना ऐसे ऐसे माइनिंग करें। तो वैसे यहाँ पर अभी हम लोगों को ऐसे माइनिंग करनी पड़ेगी, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शवल से तोड़ना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो वैसे यहाँ पर तो वही वाला इलाका आ गया लग रहा है मुझे, यहाँ पर तो कई सारा लावा है, यहाँ पर माइनिंग करके देखते हैं। टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो। तो जी हाँ गाइस यहाँ पर मैं इतनी देर से नहीं अभी से तोड़ना शुरू हो रहा है यार, अभी आप लोगों के साथ ही तोड़ते फटाफट से। अरे भाई ये क्या आ गया, अरे अच्छा हाँ गाइस ये रहा, अरे यार ये कहाँ पर चले गया भाई, अच्छा हाँ ये रहा मेरा। तो गाइस यहाँ से देखो भाई ये वाले ब्लॉक भाई मेरे पास अभी मैंने देखा, अभी मेरे पास ये पता नहीं कौन से ब्लॉक हैं यार ये, इसका नाम तो देखना पड़ेगा, डीओ क्या पता नहीं यार कौन से ब्लॉक है, डीओ राइट, हाँ गाइस ये डीओ राइट ब्लॉक भाई अभी मुझे पहली बार मिले, मैंने इसका बोला भाई नाम तो पढ़ना चाहिए इसका और आप लोगों के साथ ही नाम पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर से भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं,
अपनी माइनिंग को। देखा, मैं यही बोलने वाला था गाइस, यहाँ पर हमारी स्टोन की पिकैक्स टूटने वाली है और गाइस आप लोग वहाँ पर देख पा रहे होगा भाई, अपना पूरा एक भी लैग नहीं हो रहा है। और भाई पबजी की भी वीडियो अगर रेगुलर आना गाइस, यहाँ पर मुझे फाइनली डायमंड मिल चुका गाइस, मेरी खुशी की हद नहीं है भाई। यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले तो आयरन की पिकैक्सेस को भाई डायमंड तोड़ता हूँ, कितने डायमंड है भाई। अरे गाइस यहाँ पर डायमंड की शक्ल देख के ही भाई इतना खुशी हो रही है, और भाई यहाँ पर हमें फाइनली एक डायमंड गाइस मिल चुका है। आज हमारी डायमंड की माइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। हाय ओके, यहाँ पर भाई 3 डायमंड यहाँ पर, पता नहीं गाइस यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे पास फॉर्च्यून की है ना भाई बुक, तो मैं सबसे पहले तो ना यहाँ पर फॉर्च्यून 3 की लगा लेता हूँ अपनी आयरन की डायमंड की पिकैक्स पे, उसके बाद फिर तोड़ते हैं ये वाला एक ब्लॉक। तो गाइस यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई ये वाला नीचे तोड़ लेते हैं, एक पूरा अलग से निकालते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, लेकिन यार एनविल चाहिए उसके लिए, और एनविल बनाने के लिए चाहिए होगा बहुत सारा आयरन। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो मैंने ये आयरन का भाई जो देख रहे हो आयरन, और मैंने यहाँ पर डायमंड और गाइस क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अभी आयरन वाले हैं ही नहीं हम, अभी हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग फुल अमीर हैं अभी पैसा ही पैसा। तो गाइस यहाँ से फटाफट से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे यार सीढ़ियाँ लगा देनी चाहिए थी। गाइस हम लोग फटाफट से यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं फटाफट से ये लगाता हूँ, देखो भाई कितनी गहराइयों में हमें डायमंड मिला है यार, इतनी माइनिंग करने के बावजूद हमें 4 डायमंड मिला है बस। और अभी एक वहाँ पर हमें रख कर दे दिया है। अब यहाँ पर गाइस हमें बहुत सारा चाहिए होगा यार आयरन, आयरन और चाहिए होगा, लेकिन अभी हम लोगों के पास भाई अभी 23 पड़ा हुआ है, और हम लोग यहीं से आए ना। हाँ भाई मेरी टॉर्चें भी लगी हैं, और ये देखो गाइस फर्नेस भी, और रात हो चुकी है अभी। कैसा लगा मेरा मजाक? रात नहीं है, रात होने वाली है, या तो अभी हो चुकी थी, अभी हुई है सुबह। तो यहाँ से फटाफट से हम लोगों को बनाना होगा एनविल, लेकिन भाई घर पे भी तो जाना होगा ना। यहाँ पर हम लोग फटाफट से भाई फॉर्च्यून 3 लानी है, घर पे जाना होगा हम लोग। अरे भाई ये किसने मारा? अरे साले अभी तुम बच्चे हो, चलो अभी हम बहुत अमीर डायमंड वाले हैं अभी। तो भाई ये देखो बच्चे हैं अभी, अभी हमारे पास है डायमंड, तो अभी हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अमीर हो चुके हैं। माइनक्राफ्ट में जहाज होता है ना, तो वो भी मैं खरीद लेता, लेकिन कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन माइनक्राफ्ट में जहाज तो होता नहीं है। अब यहाँ पर हमें एनविल की रेसिपी भाई सर्च करनी होगी, मुझे आता तो नहीं है। एनविल बनाना यहाँ पर एनविल की है। अरे भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आयरन चाहिए, और एक आयरन ब्लॉक में लगता है, पता नहीं यार आयरन ब्लॉक देखते हैं भाई कितना लगता है यार आयरन यहाँ पर आयरन ब्लॉक में। तो गाइस यहाँ पर आयरन ब्लॉक, गाइस हम लोग बना सकते हैं आयरन ब्लॉक, तो एक बना लेते फटाफट से, और यहाँ पर हम लोग, अरे यहाँ पर ये तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को चाहिए टोटली, यहाँ पर भाई यहाँ पर एनविल की रेसिपी देखनी पड़ेगी फटाफट से ना। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए 3 आयरन ब्लॉक, और अभी हमारा एक आयरन ब्लॉक बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर भाई हमारे पास आयरन की बहुत कमी है गाइस, यहाँ पर हमारे पास 8 हो चुके हैं, इतना ओवर एक्टिंग क्यों करता हूँ मैं पता नहीं। यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं फाइनली 15 आयरन, अभी पिघलने को रखे हैं 9 चुके हैं, इतना क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, बना लेता हूँ फटाफट से यार एक और ब्लॉक। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैंने 2 आयरन के ब्लॉक बना लिए हैं। अभी यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमारा पिघल चुका है, 2 आयरन और पिघल चुके हैं। अभी हम लोग फटाफट, हम लोग एनविल तो बना सकते हैं, लेकिन गाइस हमें फटाफट से लाना होगा यार, हमने यहाँ पर फॉर्च्यून 3 की बुक लानी पड़ेगी। तो चलते हैं फटाफट से घर से लाते हैं यार। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर किसी तरीके से बचते बचाते टॉर्चेस लगाते हुए इन मॉब्स के बच्चों के जो बचते हुए हम लोग आ चुके अपने घर पे फाइनली। इनसे अभी पंगा नहीं लेना है, हम लोगों को फटाफट से जाना होगा अपने घर में, और खाना भी लेना भाई हमारे अपने घर से, लेकिन उससे पहले भाई फॉर्च्यून 3 की बुक लेने से पहले हम लोग सो जाते हैं फटाफट से। हम लोग सो चुके हैं गाइस यहाँ पर फाइनली, मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे पास है 3 डायमंड और फॉर्च्यून भी हमारे पास है। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग निकल लेते हैं फटाफट से, सुबह तो हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर अभी हाथ किया तो हम लोग ये बैनर्स भी लगा देते हैं ना भाई, क्या कहने। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा फूड, बहुत सारा नहीं फूड तो है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास, लेकिन अभी चिकन ले लेते हैं। गाइस मैं कितना बड़ा पागल हूँ ना, कमाल है मतलब आपको मत सिखा यार सच में। यहाँ पर हेबल्स पड़ी हुई हैं इतनी, 2 पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर फटाफट से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर व्हीट, उसके फिर बनेंगे हमारे पास 6, हमारे पास ब्रेड बन चुकी हैं। तो गाइस फटाफट से यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं ब्रेड को, और यहाँ पर हम लोगों को लगाना है भी फटाफट से बैनर्स, गेट खोल लेते हैं यहाँ पर और बैनर्स लगा देते हैं। अरे भाई यहाँ पर एक लगेगा यहाँ पर, दूसरा लगेगा यहाँ पर। तो गाइस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कमेंट करने का टर्न ऑन करूँगा तो।
फॉर्च्यून 3 की बुक लेते हुए जा रहा हूँ भाई। ये देखो साइड में मेरा बंदा चमकता हुआ लेके जा रहा है बुक। ये मकड़ी को क्या हो गया, जहरीली मकड़ी लग रही है भाई। मुझे पता था ये ऊपर चढ़ के मेरे पीछे निकल गई। इनसे खैर मैं भी डरता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास है डायमंड। फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने माइनिंग एरिया पे। गाय तो गाइस यहाँ पर अपने माइनिंग एरिया पे मैं आ चुका हूँ फॉर्च्यून 3 की बुक लेके। यहाँ पर हमारा सारा का सारा आयरन भी पिघल चुका है। और गाइस क्रीपर तो नहीं है ना? अरे यार ये मुझसे क्वेश्चन पे पता नहीं क्यों दब जाता यार। हमें सब कुछ आता है, हम अभी प्रो बन चुके हैं भाई साहब। अब यहाँ पर फटाफट से हम लोग बनाना होगा एक आयरन ब्लॉक। और फाइनली गाइस एनविल भी बन चुका है हमारा। बैनर्स मैं यहाँ पर क्यों लेके आ गया पता नहीं। यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग एनविल को। और अरे यार यहाँ पर मैंने पिकैक्स तो बनाई नहीं, मेरा दिमाग क्या चल रहा है अभी। खुशी के हमारे मैं कुछ भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारी पिकैक्स बन चुकी है गाइस। ये पहला माइनक्राफ्ट का मेरा ऐसा है जो मैं फटाफट भाई मैंने पहली बार एन्चेंटमेंट लगाई है अपनी इसमें। क्राफ्टिंग टेबल क्यों खोल ली मैंने। यहाँ पर हमारी फाइनली लग चुकी है। ओ भाई साहब फॉर्च्यून 3 की बन चुकी है यहाँ पर हमारी पिकैक्स। गाइस फॉर्च्यून 3 की बन चुकी है गाइस हमारी पिकैक्स यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से अपने वही वाले माइनिंग एरिया पे। एक ब्लॉक तोड़ना है अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और भाई मैं यहाँ से डायरेक्ट कूद जाता हूँ, अभी तोड़ते से वहीं पर चलते फटाफट से। तो गाइस मैं यहाँ पर से ऊपर से आ चुका हूँ पत्थर तोड़ते तोड़ते। यहाँ पर मेरे पास फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स है। यहाँ पर मैंने एक तोड़ा गाइस, देखो मैंने एक और तोड़ा उसमें से मुझे एक ही मिला है। ये क्या हुआ भाई, मैंने एक तोड़ा, मैंने तो दूसरों के वीडियो में देखा था भाई इतने सारे मिलते हैं। आगे भी करना शुरू करते हैं भाई यहाँ पर माइनिंग, हम लोग हो सकता है भाई और डायमंड मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर मेरी जबान कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही है, फटाफट से इसे भी तोड़ लेते हैं। अब मैं क्या बताऊँ भाई कैसी खुशी हो रही है। यहाँ पर से गाइस देखो मैंने पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5 तोड़े। यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं। यहाँ पर भाई रेड स्टोन भी, फटाफट से रेड स्टोन भी तोड़ लेते हैं। मैंने 5 और तोड़े हैं गाइस यहाँ पर से। और अभी आप लोग देख पा रहे हो 19 डायमंड हो चुके हैं गाइस मेरे पास, 19 डायमंड। भाई मैं आर्मर तो बना सकता हूँ, मैं अगली वीडियो में आर्मर बना लूँगा, लेकिन 19 डायमंड नहीं, 24 डायमंड से बनता है पूरा आर्मर। गाइस यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, करना है तो करो, नहीं करना तो करो फिर भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलता हूँ।